कपास में मंडी टैक्स की अधिकता होने के कारण मध्य प्रदेश में, जो कि 1 रुपये 70 पैसे प्रति क्विंटल है, परसेंट है, और उसके कारण से हमारे द्वारा पूरे मध्य प्रदेश में कपास की मंडियों में हड़ताल की जा रही है। यह हड़ताल इसलिए भी की जा रही है कि पिछले कई दिनों से हमारे द्वारा कई महीनों से प्रयास किया जा रहा था है कि मध्य प्रदेश में मंडी टैक्स कम किया जाए। कारण है कि गुजरात और महाराष्ट्र में मंडी टैक्स 25 से 50 पैसे हैं, और इस कारण से यहाँ का कपास उठ के महाराष्ट्र चले जाता है, गुजरात चले जाता है, और यहाँ की जिनिंग फैक्ट्रियाँ खाली पड़ी हुई है। हमारे द्वारा कमल पटेल जी से भी मुलाकात हुई है, शिवराज सिंह जी से भी हमारे द्वारा समय लिया जा रहा है, लेकिन कुछ भी सुनवाई शासन के द्वारा नहीं की जा रही है। इसके लिए अभी हमने सांकेतिक रूप से एक दिन की हड़ताल 3 अक्टूबर सोमवार को मध्यांचल कॉटन जिनरल ट्रेडर एसोसिएशन के द्वारा की जा रही है, और इस 8 दिन के अंदर अगर हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है तो 11 अक्टूबर से हमारे द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल कपास की मंडियों में कर दी जाएगी, और कोई भी कपास का व्यापारी मंडियों में से न तो कपास खरीदेगा और कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं होगी जिससे कि शासन का ध्यान इस समस्या पर जाए और मंडी टैक्स कम करें। और यहाँ पर जो मंडी टैक्स ज़्यादा होने से जो फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी हुई है उस फैक्ट्रियों को हम चालू कर सकें, और बेरोजगारियाँ भी जो कम होती जा रही है, वापसी मंडी टैक्स कम होने से रोजगार मजदूरों को भी रोजगार प्राप्त हो सके। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स, और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।